लगभग 3 लाख से ऊपर तुलसी के पौधे आप बांट चुके हैं, तुलसी का महत्व आप लोगों को समझा चुके हैं। एक बार खड़े हो जाए जरा, हाँ ये भाई साहब, और इसी प्रकार से हमारे बीच में और भी कई महानुभाव बैठे हैं, हमारे मित्र आईएएस ऑफिसर हैं श्री समीर जी, वो भी हमारे समीर कुमार जी, वो भी हमारे बीच में बैठे हैं। मैं सामने देख रहा हूँ, अगर मैं बारी बारी नाम बोलता हूँ तो इतने में मनीष जी आके कहेंगे आपका समय समाप्त हो गया है और आप अपना नीचे बैठ सकते हैं, इसलिए मैं उस मोह को छोड़ करके अपने विषय पे आता हूँ। साथियों, आज की समय है लगभग इसके 1-2 घंटे बाद, पूरे 100 साल पहले एक नौजवान लाहौर से चल करके अमृतसर आता है। अरे सुबह स्कूल जा रहा था और स्कूल जाते हुए लोग अखबार को पढ़ पढ़ के देख देख के पढ़ रहे थे, सुना रहे थे। ये लड़का पूछता है क्या हुआ क्या हुआ, बच्चा जी अरे तुम चुप जाओ, जब स्कूल जाओ स्कूल जाओ, उसका पहला देख करके बोले कल जलियांवाले बाग में बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। बोले क्या हो गया, अरे बोले क्या बताएं, हजारों लोगों को अंग्रेजों ने मार के लगाया। ये लड़का वहीं से स्कूल जाता जाता लाहौर से अमृतसर पहुंचता है, लगभग इस तरह पहुंचा होगा, वहां लाशों का ढेर देखता है, गीतों को मंडराते हुए देखता है। अब उसकी चिंता होती है कि लाशों के नीचे दबे हुए जिंदा लोग होंगे, इसलिए लाशों को पलट पलट करके वो देख रहा है। लड़का सिर्फ 12 साल की उम्र है। एक आदमी उसको बुलाता है, बोले बेटा तेरा कौन है यहाँ पर, तेरे पिताजी आए थे, तेरे भाई आए थे, तुम्हारी माता आई थी, किसको ढूंढ रहा है पट पट करके। उसने कहा मेरे सारे आए थे। और वो लड़का घूमता घूमता एक जगह पर गोलियों की जहाँ बौछार हुई थी और एक व्यक्ति के खून से मिट्टी भर चुकी थी, लथपथ थी, उसको कैसे उठाए, तो अपने जो पुस्तक होते हैं बैग होते हैं स्कूल बैग, उसके अंदर उन दिनों आप जानते होंगे कि लोग जब बच्चे स्कूल जाते थे तो स्याही की दवात लेके जाते थे और अच्छे बच्चे बड़ी दवात लेके जाते थे, इसके पास स्याही की दवात थी। उसको खाली किया, उसको धोया और शहीदों से खून से सनी मिट्टी उसमें डालता है, प्रणाम करता है और एक हाथ उठा के कहता है जब तक मैं जिंदा रहूंगा इस घटना को भूलूंगा नहीं और इसका बदला भी जरूर लूंगा। वो 12 साल का लड़का आप जानते हैं बाद में भगत सिंह के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। और अगले दिन रात को घर जाता है, छोटी बहन दूर से देखकर के निकल पड़ती है, अरे हम सब पागल हो गए थे, किसी ने बताया तुम अमृतसर गए हो। उसने कहा अरे चुप करो, स्याही की दवा निकालता है, मेज पर रखता है, तो फूल उसको चढ़ाता है, घर वालों को कहता है सब इसको फूल चढ़ाओ, ये शहीदों की मिट्टी है, शहीदों के खून से सनी मिट्टी है। साथियों, जिस घटना ने भगत सिंह पैदा कर दिया वो घटना कितनी बड़ी होगी, 100 साल पहले हुई थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा उस लड़के का भी नाम जो सुनाम का रहने वाला था, और सुनाम से क्योंकि माता पिता उसके नहीं थे, वो जिसको लावारिस कहते हैं उस प्रकार का बच्चा था, जिसको
कोई माँ बाप नहीं है, अनाथ बच्चा था, अमृतसर के एक अनाथालय में पढ़ता था, वो भी कल से लगा हुआ था, पहले पानी पिला रहा था, अब मरीजों को जख्मी लोगों को उठा उठा के ले जा रहा था, और एक औरत पागल की तरह घूम रही थी, उसका पति यहाँ पर आया था, घर नहीं गया था, ये लड़का उसके साथ घूम घूम करके उसके शरीर को जब उठाता है तो पत्नी लिपट पड़ती है, लड़का नब्ज पे हाथ रखता है, प्राण पखेरु उड़ चुके थे, उसके घर छोड़ के आता है, और जब बाहर निकलने लगता है उसकी औरत के महिला की आवाज नहीं निकल रही थी, ये लड़का कहता है, बहन जी माता जी जो हो गया सो हो गया। अरे बोले जो हो गया सो हो गया, पर एक हमारे देश के अंदर बाहर से व्यक्ति आकर के डायर, और वो जिस रास्ते से लोगों ने निकलना था वहां पर बंदूकें गार्ड करके लोगों को सरेआम गोलियों से घूमता है, जो दीवार पे चढ़ रहे थे उनको भी दीवार पे भागते भागतों को भी गोली मारता है, और बाद में उसको पूछते हैं कि आपने सूर्यास्त के 6 मिनट पहले एक पुस्तक लिखी है अंग्रेज ने, 6 मिनट्स टू सनसेट, 6 मिनट पहले किस प्रकार का काम करता है, कि अंधेरा रात उस समय छा जाती है। वो औरत बोलती है, जब उससे पूछा गया कि तुम गोलियों से यहां पर, बोले मैं मशीन गन लाना चाहता था, लेकिन वो गली इतनी छोटी थी, मशीन गन आई नहीं। ये डायर बोलता है, मुझको अफसोस है कि मुझे गोलियां चलाने में इतना समय लगा, और सबको सबक तब भी नहीं सिखाया जा सका, अगर मैं मशीन गन लाता तो तुरंत सबको समाप्त कर देता। ये पूछती है, क्या कोई उससे बदला नहीं ले सकता? अरे वो लड़का बोलता है कि मैं लूंगा। और बच्चा आगे चला जाती है, माँ उसकी शक्ल पहचानती है, सब भूल गए, किसी को वो लड़का याद नहीं रहा। माँ अपने बच्चे को कभी कभी बताती थी कि तुम्हारी पिता की लाश, जो कि बच्चा बहुत छोटा था, बताती थी कि तुम्हारे पिता की लाश एक लड़का लेके आया था, वो बोलता था मैं बदला लूंगा, पर किसी ने बदला तो नहीं लिया। साथियों 21 साल गुजर गए, कितने साल, 21 साल गुजरने के बाद अचानक गली में एक अखबार फाड़ता है, बदला ले लिया। जलियांवाले बाग के पाप का बदला ले लिया। तो माँ कहती है बेटे को, अरे भाग के जाओ अखबार लाओ। वहां एक लड़के का फोटो छुपा होता है, जो कहते हैं उस समय 20 साल का था, अब 41 साल का हो गया है। 21 साल बाद लंदन में पॉक्सटन हॉल के अंदर जाकर के, और उसने जलियांवाले बाग का बदला लिया। अरे माँ कहती है, ये फोटो पहचान रहा है? लड़का कहता है, मैं तो नहीं जानता। बोले तुम क्या जानोगे, ये लड़का वही है जिसने मुझको आश्वासन दिया था बदला लिया जाएगा। उस उदम सिंह को आज हमको प्रणाम करना चाहिए, उस उदम सिंह की स्मृति याद करना चाहिए। और साथियों मैं आपको कहूंगा कि हम जो बोलते हैं शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का नहीं बाकी निशान होगा। मैं इतना बताना चाहता हूं कि जब भगत सिंह ये शेर लिख रहा था तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, मत ऐसी बातें लिखो भावुक,
हिंदुस्तान में कोई याद नहीं करने वाला है। अरे बोले कैसे याद नहीं करेगा, ये शेर मैंने तो नहीं लिखा है। बोले असली शेर मैं लिखता हूँ, चंद्रशेखर आजाद ने उस बेसमेंट के अंदर जहाँ राइफल से निशानेबाजी का अभ्यास कर रहे थे, कोई कोयला उठाया, एक कागज उठाया, कागज से कुछ शब्द मिटा दिए, कुछ नए शब्द लिख दिए, एक नया शेर हमारे सबको लज्जित करने के लिए चंद्रशेखर ने लिखा। शहीदों की चिताओं पर काट के आगे लिखा, पड़ेंगे रात के ढेले और वतन पे मिटने वालों का बदल के लिखा, नहीं बाकी निशान होगा। साथियों पूरे देश के अंदर, अरे कोई पार्क देखो, कोई अस्पताल देखो, एक ही परिवार का नाम आता है, इन क्रांतिकारियों का नाम नहीं लिखा जाता है। वो परिवार कौन सा है आप जानते हैं, और दुर्भाग्य की बात है कि उस परिवार ने इस भगत सिंह की शहादत का भी मजाक उड़ाया था और साफ साफ कहा था कि ये भटका हुआ युवक है, और ऊधम सिंह की शहादत का भी मजाक उड़ाया था और कहा था ये नौजवान ने हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। जलियांवाले बाग के साथ ये दो निशान जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमेशा उनका नुकसान पहुंचाया, उनका अपमान किया। आजादी के बाद क्या हुआ कि जब जलियांवाले बाग की मेमोरियल समिति बनी तो उसमें लिखा जो कांग्रेस का प्रधान होगा, जिसने इन शहीदों का अपमान किया था, वो इसका परमानेंट मेंबर रहेगा। मंजिल उन्हें मिली जो शरीर के सफर न थे, तेरे जो सफर में शामिल नहीं हुए उनका परमानेंट, जिनपे कोई ट्रस्ट नहीं था उनको ट्रस्ट नहीं बना दिया। मैं आपके माध्यम से इस वर्तमान मोदी सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने 2018 के अंदर उस कानून को बदला और नया कानून बनाया कि कांग्रेस का प्रधान इस मेमोरियल का जलियांवाले बाग का साथ में ट्रस्टी नहीं होगा और उसकी जगह नए मेंबर बनाए। एक बहुत बड़ी इबारत लिखी, एक गलत लिखी हुई कहानी को ठीक की। आप सबको मैं इस माध्यम से सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, अच्छा काम किया। बस एक काम बाकी बचा है और वो करवा सकता है तो श्री मोदी जी करवा सकते हैं कि इंग्लैंड की महारानी से, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थेरेसा मे से कल तक उन्होंने कहा है हमें दुख है, हम इस काले धब्बा मानते हैं घटना को, पर माफी मांगते हैं ये नहीं कह रहा है। एक बार मोदी जी दोबारा बन गए तो मैं समझता हूँ जहाँ ये एक काली स्याही तो हटा दी कि कांग्रेस का प्रधान ही जलियांवाले बाग का ट्रस्टी रहेगा, मुझे लगता है दूसरी थेरेसा को इंग्लैंड में बैठ के नहीं जलियांवाले बाग में आकर के माफी मांगेगी, पूरी कैबिनेट मांगेगी। जितने वोटर इस बार 90 करोड़ हैं, दुनिया के किसी एक देश के अंदर ये वोटर नहीं है। साथियों पूरा यूरोप, इंग्लैंड नहीं बोल रहा हूं, पूरा यूरोप और ब्राजील साथ मिला दो, उससे भी ज्यादा आबादी हमारे यहाँ की वोटर की है। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, उसकी आबादी 30 करोड़ की है। अरे 3 अमेरिका मिला दो तो
तो हमारे वोटर की संख्या से कम बैठता है, इतना बड़ा हमारा वोटर का बेस है। साथियों, पिछला जो 2014 का इलेक्शन हुआ और ये जो 2019 में इलेक्शन चल रहा है, इसमें 8,40,00,000 नए वोटर बन गए हैं। कितने बना? 8,40,00,000। ये 8,40,00,000 कितने वोटर हैं, इसका अगर अंदाजा लगाना हो तो इसमें कह सकते हैं सब लोग और लगभग 2.6 करोड़ उनकी आबादी है। साथियों, पूरा जर्मनी जिस दुनिया का इतना ताकतवर चौथा मुल्क है, उसकी आबादी से ज्यादा हमारे यहाँ पर 14 से लेकर आज तक वोटर हो गए हैं। और एक और आंकड़ा याद रखना, दुनिया के 187 देश, कितने देश, 187 देश की आबादी 1.25 करोड़, 1,25,00,000, ये एक देश है नीदरलैंड का नाम सुना होगा, उसकी आबादी से ज्यादा तो हमारे इस साल के नए वोटर बन गए हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। साथियों, एक और ध्यान रखना, दुनिया का सबसे महंगा लोकतंत्र का जो चुनाव होता है वो अमेरिका का होता है। पिछली बार 2014 के अंदर $5 अरब का भारत में खर्च हुआ था, 6.5 अरब डॉलर का अमेरिका में खर्च हुआ है। इस बार कम से कम भी जो अनुमान लगाया जा रहा है वो बता रहे हैं कि 7 अरब करोड़ डॉलर जो है वो इस चुनाव में लगने वाला है, 7 अरब डॉलर। साथियों, इसका मतलब है कम से कम 50,000 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। ये सबसे कम अनुमान है और कई लोगों का कहना है इससे दुगना है। ये जो 7 अरब डॉलर बोल रहा हूँ, ये कितना है? ये जो पड़ोस में देश है जो भारत से मुकाबला करता है, जिसको पाकिस्तान बोलते हैं, इसका कुल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो भारत का इस समय 427 अरब डॉलर का है, पाकिस्तान का इस समय पूरा फॉरेन रिजर्व 7 अरब डॉलर का है। और इसमें भी 2 अरब डॉलर जो है किसने दिए उसको? अभी जो सऊदी अरब का शाह आया था वो 2 अरब दे के गया, तब भी जा करके जितना हमारे चुनाव में कम से कम खर्च होने वाला है उससे कम पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व है। साथियों, जब कोई त्योहार होता है आदमी बदला हुआ होता है। आपको मैं यहाँ से रंग फेंकूं कितना खराब लगेगा, कोई पड़ोसी आपके ऊपर पिचकारी मार दे कितना खराब लगेगा, और जब होली का मौका होता है सब एक दूसरे को रंग लगा रहे होते हैं, सब रंग गिरा रहे होते हैं, वो एक पर्व है, रंग का पर्व है। आपको मैं कहूँ कि अपने घर के आगे दीपक जला दीजिए, पटाखे जला दीजिए, आप कहोगे क्यों, कई फ्री मिल रहे हैं। लेकिन एक दिन आता है जब हम खरीद खरीद के लाते हैं, उस दिन दिवाली होती है, गरीब से गरीब आदमी भी अपने घर में दिया जलाता है, रोशनी करता है, घर की सफाई करता है। हम पूछते क्यों, क्या हो गया, बोले त्योहार है। साथियों, जिस दिन कोई त्योहार होता है आदमी की नेचर बदल जाती है। आज भी एक विचारधारा का पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है। चुनाव के अंदर सब लोग राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो पढ़ते हैं और जो कभी नहीं पढ़ते थे मोदी जी के आने के बाद तो वो भी पढ़ने लगे हैं, वो भी समझ लगे हैं, वो भी रोजगार की बात करने लगे हैं, वो भी फॉरेन एक्सचेंज की बात करने लगे हैं। अभी कई बार टीवी पे देखते हैं छोटे छोटे बच्चे खड़े होकर कहते हैं अरे ये क्या प्रधानमंत्री बोलेगा, इसको तो भाषण भी देना होता। 12 साल का लड़का बोल रहा था, उसने कहा फिर क्या करें, बोले मेरे पे ट्यूशन रख ले, ये छोटा सा बच्चा बोल रहा है। तो इस समय चेतना का ज्वर बहुत बड़ा है, हमको चाहिए कि इस 90 करोड़ लोगों को जा करके हमें कुछ बातें बतानी चाहिए, हमको बतानी चाहिए कि चुनाव जो है ये गलियां बनवाने के लिए नहीं, हमको बताना चाहिए कि ये जो चुनाव आ रहा है वो सड़कें बनवाने के लिए, गली की अपने गांव की वो नहीं है, छोटी मोटी ट्रांसफर कराने के लिए नहीं है। अरे किसी को पूछा एमपी किसको चुनना चाहिए,
बोले जो मरने पर अफसोस करने आ जाए और शादी पर बधाई देने आ जाए, अरे मैंने कहा इसके लिए एक आदमी रख लो और उसकी फोटो खिंचवाते रहा करो। अरे इसके लिए एमपी बनाते हैं क्या? एमपी बनाते हैं पांच बातों के लिए। साथियों, जितनी भगवान ने आपको उंगली दी है उतनी बातों के लिए। पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो 5 साल की मोदी सरकार रही, इसकी सबसे अच्छी बात क्या मानते हैं आप? एक शब्द में बोलना सबसे अच्छी बात, कि वो बोलने के बाद दूसरे का मुंह चुप, हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है, वो क्या कही जा सकती है? एक हाँ खड़े होकर बोल रहा हूँ, सुरक्षा। बहुत बढ़िया, ताली बजा दीजिए। क्या बोले? राष्ट्रीय एजेंडा, बहुत अच्छी बात है जी। हाँ, सबका साथ और सबका विकास, बोलिया। सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान आपके हिसाब से सबसे बढ़िया जी, बोलिए बोलिए। स्वाभिमान देश का, आपका क्या कहना है? विदेश नीति, चैतन्य भट्ट जी का कहना है कि वो बहुत अच्छी जी, बोलिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जरूर बहुत अच्छी बात है जी। और हाँ बोलिए, बहुत बढ़िया जी, आप बोलिए। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचार मिटाया, अत्याचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार, वाह क्या बात है, बिल्कुल ठीक है जी। हेलो मनीष जी, मैं ये कहना चाहूँ कि हम पहले सॉफ्ट पावर के रूप में जाने जाते थे, हम अब हार्ड पावर के रूप में जाने जाते हैं। कोई भी आके हम पे अटैक करते थे, हम कुछ बदला नहीं ले पाते। पहली दफा इन 5 सालों में ऐसा हुआ जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, हमने घर में घुस के मारा बालाकोट में, ये हार्ड पावर था। ठीक है, बहुत अच्छा, थोड़ा पीछे भी ले जाइए मनीष जी। लोग कह रहे हैं कि आगे आगे वालों को हलवा बांट रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन जी। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, घर में घुस के मारेंगे, सेना के सम्मान के लिए। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। चलिए एक दो और बोल लीजिए। हाँ, ईमानदारी, ईमानदारी, जब सरदार जी ने भी कहा भ्रष्टाचार मुक्त, आपने ईमानदारी बोला, बिल्कुल ठीक। किसी के घर में जाके कुटाई करते हैं, घर में जाके कुटाई किया, हो गए घर में जाके घुस के मारना, क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। पर जोरदार तालियां इस बात को, घर के प्रति नहीं, पैसे भरने वाला नहीं है, देश के खजाने भरने वाला है। बहुत अच्छा जी, हिंदू संस्कृति और हिंदू परंपरा के, एक नई बात कही उन्होंने कि अपनी भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति की पहचान बनाई है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल दो बार के लिए, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। एक हाँ और बोली बोलिए, मार्गदर्शक, पारदर्शिता, ईमानदारी, बहुत अच्छा ठीक है, बिल्कुल। भारत को अपने विश्व गुरु बनाने की तरफ पहला जी, जनता, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, बिल्कुल वन नेशन वन टैक्स, सब जगह एक बराबर हो गया, सबका विकास भी होगा। साथ ही एक बस हाँ बोल दीजिए, बहुत बढ़िया, मोटिवेट करना। अब ऐसा है कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की तरफ इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। चलिए एक बार वापस ले लीजिए, बोलिए। मनीष जी माइक ले लीजिए। हाँ, अब थोड़ा सुनिए, देखिए अगर यूं कहें कि ऐसा अमाउंट कौन सा है जिसको मिला करके 10 बन जाए, कोई दो आप बताइए, तो आप क्या कहेंगे? 3 और
सात कह सकते हैं, दूसरा बोलेगा पांच और पांच कह सकते हैं, तीसरा बोलेगा छह और चार, सबके उत्तर ठीक है। पर मैं कहूंगा ऐसे कितने उत्तर हो सकते हैं कि दो रकम को मिलाकर के दस बन जाए, ऐसे कुल कितने उत्तर हो सकते हैं बोलिए है? मैं कह रहा हूं कुल टोटल कितने, छह और चार भी दस हो सकता है, है? कितने दस है? आठ। देखिए इसके बाद क्या होता है, साढ़े छह और साढ़े तीन, तब भी क्या बन जाएगा, कुल मिला के इसको इतने उत्तर हो सकते हैं, सारे ठीक हो सकते हैं, हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के अनगिनत उत्तर है। इस सरकार ने भी क्या किया है, इसके भी उत्तर अनगिनत है, सारे ठीक है, पर थोड़े बेटर उत्तर करना तो मैं पांच बातें कहता हूं। देखिए सरकार वो अच्छी है जो दुनिया के बड़े बड़े मगरमच्छ यानी कि मल्टीनेशनल कंपनियों से देश को बचाए, आर्थिक स्थिति को सुधारे। ये पहली उंगली जो छोटी है इसको देखना और याद करना, सरकार वो अच्छी है। नंबर दो बात, कुछ लोग अमीर हो गए पर गरीब और गरीब हो गए, उसका अमीरी का फायदा है क्या? नहीं फायदा है। इसलिए देश की जीडीपी बढ़े, देश के अंदर जो विदेशी कंपनियों पर रुकावट लगे, आर्थिक स्तर ऊंचे, ये ठीक बात है। गरीब से गरीब का विकास, अंग्रेजी में बोलते हैं इंक्लूसिव, जो हिंदी में कहते हैं सर्वसमावेशी, जिसको आपने कहा सबका विकास और सबका साथ, ये होना बहुत आवश्यक है। नंबर तीन बात, ये सबसे बड़ी उम्मीद है, अरे किसी देश में आप जाओगे व्यापार करने के लिए, घूमने के लिए, अगर सड़कें टूटी हुई होगी तो आप जाएंगे क्या? वहां फैक्ट्री लगाएंगे क्या? सड़क है ही नहीं, आपका माल फंस जाएगा। किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सबसे बड़ी बात, बड़ी उंगली होती है, हमने देखना है कि इस सरकार ने बड़ा है या नहीं बड़ा। नंबर चार, जिससे यूं उंगली करते हैं, वो आदमी ऐसा है, वो आदमी ऐसा है, ये उंगली पहले से करते हैं, ये पहचान है। देश की सुरक्षा कैसी है, इंटरनल सुरक्षा कैसी है, बाहर सीमा पर सुरक्षा कैसी है, इस देश के दुनिया से संबंध कैसे है, और ये रोएगा तो अकेला रोएगा, या जब ये रोएगा तो मैं नहीं रोती, पंजाबी में कहते मैं देख के लोग रोते हैं, अब मैं नहीं रोती, इसलिए हिंदुस्तान को देखना है क्या दुनिया के देश इसके साथ हैं। और सबसे बड़ी पहचान जो तिलक राजी ने बताई, हमारा देश दुनिया का विश्व गुरु रहा है, इसलिए नहीं कि हमारे पास पैसा ज्यादा था, उसके लिए सोने की चिड़िया कहते थे, इसलिए नहीं कि खाने पीने की चीजें ज्यादा थी, दूध दही की नदियां कहते थे, इसलिए विश्व गुरु कहते थे कि दुनिया में हमारी जो सांस्कृतिक पहचान थी, हमारे जो विश्वविद्यालय होते थे, पूरी दुनिया से बच्चे वहां आते थे, हमारे जो मंदिर थे, हमारे जो मेले थे, दुनिया वहां पर सीखने के लिए आती थी। इस पहचान को अगर खत्म कर दिया और बाकी चार बातें हो गई, इस देश विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। मेरे हिसाब से पांच कसौटियां आओ, पहली कसौटी, ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां कितनी बड़ी होती हैं जानते हैं? दुनिया के अंदर अगर 100 बड़ी इकोनॉमीज, मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, 100 बड़ी इकोनॉमी को गिना जाए तो 29 देश हैं, 61 कंपनियां हैं, यानी इतनी बड़ी बड़ी पावरफुल कंपनियां हैं जो कई देशों को निकल सकती हैं। अगर पूरी दुनिया की कुल टोटल आर्थिक जो पैसा है वो इकट्ठा कर लिया जाए तो आपको हैरानगी होगी कि उसमें से जो 365 नीचे के लोग हैं, 365 करोड़,
उनके पास जितना पैसा है उसके बराबर भी अमीरों में से कितनों को गिना जाए, 1 करोड़ को नहीं, 1 लाख को नहीं, 10 हजार को नहीं, 5 हजार, 1 हजार, 100 नहीं। मेरी बात समझ गए? 365 नीचे के जो करोड़ लोग हैं उनके पास जितना पैसा है, 2016 में सिर्फ 8 आदमियों के पास कुछ उससे ज्यादा पैसा था। ये कितनी बड़ी कंपनियां हैं। अरे पूरी दुनिया के अंदर जो सब सरकारों की जीडीपी मांगते हैं ना, हिंदुस्तान की 2.6 ट्रिलियन डॉलर की है। चाइना जिसको बड़ा मानते हैं 11.5 ट्रिलियन डॉलर की है। अमेरिका की 17 ट्रिलियन डॉलर की है। पूरी दुनिया की देशों की जीडीपी 78 ट्रिलियन डॉलर की है। इसमें से 49 ट्रिलियन डॉलर केवल कंपनियों के पास है। इन पर हम कुछ लगाना बहुत मुश्किल है। अगर सबको बढ़ावा दिया तो किसने दिया? 1991 के अंदर एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कांग्रेस सरकार मनमोहन सिंह ने ला करके इन सबको पहली बार निमंत्रित किया था। और अगर किसी ने आने से तो रोका नहीं है पर आने के बाद उसके ऊपर पकड़ बनाई है तो केवल और केवल इस मोदी सरकार ने बनाई है। एक बार साथियों, आपने सबने अमेज़न का नाम सुना है? अमेज़न का नाम सुना ना? हाथ खड़ा करो जिसने सुना है। सबने सुना होगा। ये दुनिया की सबसे ताकतवर ईमेल ई कॉमर्स की कंपनी है। नंबर 2 पर वॉलमार्ट कंपनी है। अभी भारत सरकार ने, लोग कहते हैं आम व्यापारियों के लिए क्या किया, अरे सबके रोजगार बंद हो रहे थे, ये 2 कंपनियां और तीसरी अलीबाबा, ये 3 कंपनियां हिंदुस्तान के सारे ई कॉमर्स पे, लड़के मोबाइल दुकान पे नहीं लेते, लड़के दुकान पे जूता नहीं लेते, कपड़ा नहीं लेते, पेंट नहीं लेते, सीधा का सीधा इनको ऑर्डर देते हैं और ये सस्ते में दे करके और हिंदुस्तान की मार्केट को खराब कर रहे थे। स्वदेशी जागरण मंच कई बार गया और कई बार सरकार को समझाया। अंत में जब मोदी जी को समझाया तो उनकी समझ में आ गया और 1 हफ्ते बाद क्या रिजल्ट आया? एक ऐसा कानून बनाया कि लागत मूल्य से कम भी नहीं बेच सकोगे, अपना सामान नहीं बेच। ऐसे 3 कानून बनाए 1 हफ्ते के अंदर। इन दोनों बड़ी कंपनियों को, अमेज़न को और नंबर 2 वॉलमार्ट जिसका फ्लिपकार्ट एक हिस्सा है, कितना नुकसान हुआ? आप कहेंगे 10 हजार करोड़ का, मैं कहूँगा नहीं ज़्यादा, 50 हजार करोड़ का, नहीं ज़्यादा। जितना भी आप छलांग लगाएंगे 50 अरब रुपए भी, 50 अरब डॉलर का नुकसान 1 हफ्ते के अंदर दोनों कंपनियों को हो गया। ये काम कोई कर सकता था? साथियों आपको हैरानी होगी कि दुनिया की जो बड़ी कंपनियां हैं आज जाकर के रोती हैं। सबसे बड़ा जो नुकसान पहुंचाया पता है क्या किया? ये जो भी आप ट्रांजेक्शन करते थे, रुपया इधर से उधर भेजते थे, या तो आप मास्टर कार्ड से भेजते हैं या वीजा कार्ड से भेजते हैं, जो भी आप पैसा ट्रांसफर करेंगे इन दोनों कंपनियों के पास उसका हिस्सा पहुंच जाता था, उसका प्रॉफिट पहुंच जाता था। मोदी जी ने कहा कि ये क्या तरीका हुआ? इन्होंने एक नया कार्ड चलाया, रुपे कार्ड, और रुपे कार्ड के कारण से अभी इतना लोकप्रिय हो चुका है कि 65% पूरे भारत के अंदर ये रुपे कार्ड करके अरबों रुपए का जो कमाते थे उसको बजा लिया। ये काम कर सकता था कोई? मोदी जैसा दिमागदार। साथियों एक बात और रखना, ये चाइना कब से सुनते हैं कि चाइना के साथ हमारा व्यापार घाटा पड़ रहा है, व्यापार घाटा पड़ रहा है? बात मेरी समझ में आ रही है ना? बहुत मुश्किल तो नहीं कह रहा ना भाई? साथियों ध्यान रखना, कितना था तो 62 अरब डॉलर का हर साल चाइना से घाटा पड़ता था। अब की बार हम गए सरकार के पास, पिछले 1-1.5 साल पहले हमने रामलीला मैदान में कार्यक्रम किया
और 1.5 लाख व्यक्ति वहां पूरे भारत से आए स्वदेशी जागरण मंच के कार्यक्रम के बाद। वहां पर हमको बड़ी हैरानी हुई कि जब हम एक मंत्री को मिलने गए तो वो बोले कि मैं तो आपके कार्यक्रम में शामिल था और मेरे को तो अंदर जाने में ही 1.5 घंटा लग गया। हमने कहा आपको तो कहीं देखा नहीं, सबने कहा देखा नहीं। अरे बोले आपके मंच पे मुझको कौन चढ़ने देता है, मैं तो पब्लिक में बैठ करके कार्यक्रम सुन करके आया। उस भव्य कार्यक्रम के बाद हमने सरकार से मांग रखी, हमारे रोजगार खत्म हो रहे हैं चाइना के कारण से, हमारा व्यापार खत्म हो रहा है चाइना के कारण से, हमारा पर्यावरण खत्म हो रहा है चाइना के कारण से, हमारे बच्चे को गंदे खिलौने दे करके, जहरीले खिलौने का दे करके हमारी युवा पीढ़ी को बीमार कर रहा है, तो चाइना का इस पर रोक लगाओ। बोले बिल्कुल रोक लगाएंगे। आप जानते हैं कितना असर पड़ा, 130 आइटम पर एंटी डंपिंग होती है, जिसका मतलब है कि विदेशी सामान अगर सस्ता है तो वो देश भेज नहीं सकेगा, ये सरकार अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में सिद्ध करती है। आज तक के इतिहास के अंदर 130 विदेशी आइटम पर एंटी डंपिंग लगी थी, उसमें से 100 आइटम मोदी जी ने लगाई है, इनकी सरकार ने लगाई है, उनका रास्ता आने का बंद कर दिया। साथियों ये पैसा कमाते कहते थे, एक नाम बता रहा हूं आपको और वो नाम आपने सुना होगा, वो गरीबों का मसीहा है। वो हर बार कैसी योजना बनाओ ये कांग्रेस सरकार को बताता था, उसको नोबल प्राइज मिला। अमृत सेन का नाम सुना है आपने, अमृत सेन का नोबल विनर, ये सबसे बड़ा दलाल होते थे इस मोदी सरकार को गालियां देने में और पिछली सरकार को फायदा उठाने के। अब की बार जो स्वदेशी जागरण मंच का अंतर्राष्ट्रीय मामलों का विशेषज्ञ था अरविंद कुमार, उसने गार्डियन अखबार में एक लेख छापा है कि किस प्रकार से केवल एक छोटी सी आइटम के अंदर, ये जो अमृत सेन है इसकी पत्नी का नाम है एमा रोज फील्ड, क्या नाम बोल रहे हो, एमा रोज फील्ड, एमा रोज चाइल्ड, ये दुनिया के बड़े अमीर खानदानों में से उसकी बेटी है। एक छोटी सी आइटम के अंदर सरकार ने इसको 30 करोड़ का एक दिन में फायदा पहुंचा दिया था। 2014 तक सबसे बड़ा किसी ने बेनिफिट उठाया था, तो ये अमृत सेन की वाइफ ने, यानी कि अमृत सेन ने, इनके ससुराल वालों ने, और ये जो मम जो बोलते सोनिया माता, उसने एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाई थी, उसमें जो जया दरेज नाम का विदेशी व्यक्ति रखा हुआ था, ये पट्टा था, ये चेला था अमृत सेन का, उसके माध्यम से नीतियां बनवाते थे। अरे साथियों आप जानते हैं इस देश के अंदर जितने स्कूल हैं उससे डबल एनजीओ चल रहे थे, 31 लाख जितने स्कूल हैं हमारे देश के अंदर उससे डबल, जितने हॉस्पिटल हैं उससे 220-250 गुना चल, 250 गुना ज्यादा एनजीओ चल रहे थे, जो सीधा अमेरिका से, जो सीधा इंग्लैंड से संचालित होते थे, हमारे देश का नाम बदनाम करते थे, इन पर कोई हाथ नहीं डाल सकता था, ये बड़ी पवित्र गाय बनी हुई थी। एक ही झटके के अंदर मोदी सरकार ने आते ही देखा, अरे ये देश को भी लूट रहे हैं और देश को बदनाम भी कर रहे हैं, इनका टैक्स चेक करो, कोई टैक्स नहीं देता था, 20,000 एनजीओ, फर्जी एनजीओ, झूठे एनजीओ, देश का बुरा करने वाले एनजीओ को 20,000 को कैंसल एक दिन में कर दिया। ये कर सकता था मोदी सरकार। साथियों मैं थोड़ा लंबा बोल गया क्योंकि स्वदेशी का विषय था, आपकी भी जानकारी है। दूसरा ध्यान रखना, ये जो हमने दूसरी उंगली गरीब के लिए अगर किसी ने किया है तो सबसे ज्यादा मोदी सरकार ने किया है। अरे शामली के अंदर एक लाइव डिबेट चल रही थी और बहुत लोग बैठे थे, मैं देखा अभी आयुष्मान योजना बनी, उन्होंने मोदी से बड़ी अपनी। अरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक
आपको जानते हैं 20 लाख लोग इसका लाभ उठा चुके हैं उत्तर प्रदेश। मोदी को अभी ये 2 करोड़ लोगों को और मकान बना के देने हैं, उसको ना हटाना, 2000 करोड़ का सपना मर जाएगा, उनके मकान गिर जाएंगे, ये पाप ना करना। साथियों 18,000 गांव के अंदर 2.5 करोड़ लोगों को जिनकी बिजली नहीं थी होती है, 7 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत इस प्रकार से गैस दिए गए हैं। कांग्रेस क्या करती थी, तबलीर सिंह एक पुस्तक में लिखती है ब्रोकन प्राइस पे, वो लिखती है कि जब पहली बार ये गई ममता सोनिया राहुल को साथ लेके अमेठी में, वहाँ गरीब बैंक को लेकर के बोली, अरे इतने गरीब हैं, ये तबलीर सिंह साथ में थी, इसको आशा बंधी कि अभी 5 साल में ये देश ठीक हो जाएगा। पर साथियों बोले कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, ये डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर बन गई, 30 देशों में ये घूमी, पर हर जगह कभी गरीबों के बारे में नहीं सोचा। वहाँ जो फैशन शो होते थे, अच्छे कपड़े पहन के उसमें जाती थी, गरीब का कोई भला नहीं है, गरीब के बारे में सोचा, तो या मोदी ने सोचा या भगवान ने सोचा। मैं भगवान इसलिए कह रहा हूँ, एक शायर ने लिखा है कि गरीब के बच्चे भी अच्छा खाना खा सके इन त्योहारों में, इसलिए भगवान खुद बिक जाते हैं बाजारों में मूर्तियां बना बना करके, भगवान भी चाहता है इसलिए उसको तरस आता है, इसको तरस नहीं आया, इन्होंने गरीब को और गरीब बनाने की कोशिश की है। मोदी ने करोड़ों लोगों को मुद्रा योजना देकर के उनको पैरों पर खड़ा किया है। लोग बोलते हैं रोजगार नहीं, अरे बोले कि रोजगार का मतलब क्या नौकरी होता है, स्वदेशी जागरण मंच कहता था और अब मोदी कहते हैं अगर आप नौकरी करेंगे तो एक आदमी रोजगार पाएगा, और अगर अपना उद्योग चलाएंगे तो आप 100 लोगों को रोजगार दे सकेंगे। इसलिए मोदी जी का नारा डोंट बी जॉब सीकर बी जॉब प्रोवाइडर, अरे ये तो हजारों लोगों को नौकरी देने का काम है। साथियों एक मैं जो बात कहता था, इस उंगली से आपने मल्टीनेशनल कंपनियां, इस उंगली से गरीब, इससे सड़कें, एक उदाहरण बता रहा हूँ, 2 किलोमीटर सड़क एक दिन में बना करती थी पहले, बाद में 2014 में आकर के 7 किलोमीटर बनने लगी, अभी जानते हैं एक दिन के अंदर 26 किलोमीटर सड़क बनती है, और अगर ये सरकार दोबारा आएगी तो एक दिन के अंदर 46 किलोमीटर ये सड़क बनेगी, कोई भी रास्ता कच्चा नहीं रह जाएगा, ये सरकार का ये वादा है। और इस उंगली से मैं कहूँगा सुरक्षा का, आप सब जानते हैं, अरे चाइना को कोई रोक सकता था क्या, किस प्रकार से 2 लाख के अंदर रोका, ये कोई कर सकता था, तो यही सरकार कर सकती थी। अरे 2 सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है, आप 2 गिनते होंगे ना कौन सा, एक अभी जो उरी के बाद किया और एक अभी सेना ने जाकर के एयरक्राफ्ट, नहीं। साथियों जो सबसे पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी कि जब म्यांमार के जंगलों के अंदर उग्रवादियों के बेस खत्म कर दिए थे, उस सरकार से मिलकर जो पहली सर्जिकल स्ट्राइक दूसरे देश में हुई थी। खाड़ी के देशों में कोई एक गीता लेके पहुंच जाता था, उसकी तलाशी होती थी, उसको जेल में डाल देते थे, ये अरब देशों का हाल था। एक घर में बैठा बोल रहा था जय माता की, उन्होंने कहा अरे माता की आरती उतार रहे हो, उसको जेल में का नहीं, मैं अपनी माँ को जय माता दी कह रहा, तब कहीं छूट के आया, इतनी शक्ति होती थी। हम कहते थे मोदी जी विदेश में जाके क्या करते हैं, वही देश जो गीता नहीं रखने देता था, जय माता नहीं करने देता था, रोजे के दिलों के अंदर धुआं घर से उठता था तो गिरफ्तार कर देता था, अभी दुनिया का सबसे बेहतरीन मंदिर इसी खाड़ी के देशों में वहां की सरकार जमीन दे के बना रही है, इससे अच्छे
रशिया सबसे बड़ा सम्मान दे रहा है, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक उनको सबसे बड़ा सम्मान दे रहे हैं। पाकिस्तान पता कल क्या बोल रहा था कि भाइयों, उसका प्राइम मिनिस्टर बोल रहा था हमारी हालत ये हो गई है कि हमारे ऊपर 30,000 करोड़ का ऋण है और 6 अरब रोज रुपया हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है, हम कैसे सरकार चलाएंगे। ये नानी याद कराने का काम किया है सरकार ने किया है, और इस सोने को देखना चाहती हो, ये सबसे पहली मूली है और ये है संस्कृति की। योग को कौन जानता था दुनिया के अंदर। एक बार मोदी जी ने कहा हमारे पास एक ऐसी पद्धति है कि तन भी ठीक हो जाएगा, मन भी ठीक हो जाएगा। दुनिया के 172 देशों ने कहा हाँ हम योग दिवस मनाएंगे, ये पहली बार होता है। साथियों, कुंभ पे आप गए हैं क्या? कौन कौन कुंभ पे गया? जो कुंभ पे गए हैं, अरे पहले जब कुंभ पे जाते थे डरते थे कि भीड़ के कारण से मर जाएंगे। अब की बार टेस्ट करते हैं कि कागज का टुकड़ा फेंकते थे, थोड़ी देर के अंदर कोई इसकी सफाई कर जाता था। और कितना भावुक दृश्य था जब प्रधानमंत्री जैसे केवट में पैर हुए थे, वैसा भगवान स्वयं नहीं मोदी जी सफाई कर्मचारियों के पीतल की अंदर खाली में पैर रखते उसको स्वयं हुए हैं। एक अम्बेडकर का सपना जिसका जन्मदिन आज है उसमें पूरा हो गया। भारत का प्रधानमंत्री सम्मान कर रहा है, इसलिए भारत खड़ा है कुछ वैल्यूज के लिए। आने वाले दिनों में देखना गाय का महत्व कैसा पड़ेगा, आने वाले दिनों में देखना तुलसी का पूरे दुनिया में चर्चा होगी, आयुर्वेद की चर्चा होगी। ये कोई कर सकता है तो यही सरकार कर सकती है, वरना आप सबको आतंकी थे, क्या बोल रहा हूँ, आप सबको आतंकवादी थे। एक एक करके जैसे प्रज्ञा ठाकुर को क्या करते थे, एक टांग पकड़ना, एक हाथ पकड़ना, 3 बार छुड़ा के दीवार से पटकना, उस बेचारे की कमर टूट गई। और मैं एक बार मिला था स्वामी सीमानंद जी को, वो पाठ में जा रहे थे, किसने कहा अम्बाला से आए हैं ये, झट से बाहर आ गए। आप अम्बाला से? मैं कहता हूँ अरे अम्बाला में मैं 5 साल जेल में पढ़ा, जहाँ पर महात्मा गांधी के हत्यारे को रखा था, जानबूझ करके मुझे उसमें कोठरी में रखा गया, सामने फांसी का तख्ता रोल दिखता था। मैं रोज सोचता था कल का दिन नहीं कटेगा, ये मुझे फांसी चढ़ा देंगे। ये तो शुक्र है कि ये सरकार आ गई और असीमानंद जी पूरे देश में फिर शांति प्रोग्रमण करने वाले हैं, वरना हम सबका हाल स्वामी असीमानंद का होता, प्रज्ञा ठाकुर का होता है। अगर इस देश के हमारे धर्म को बचा के रखना इस सरकार ने, मत कहना कि अभी मंदिर नहीं बना। लास्ट में आपसे कहूँगा आप क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बार अपने को मोदी जी सोच लीजिए, क्या सिर्फ इसलिए मोदी जी की पहचान है कि उनकी जो पजामा पतला होता है, कुर्ता अच्छा होता है, कोई भी पहन सकता है, आजकल 150 रुपये में मिलता है कुर्ता पजामा, कोई पहन लो। क्या इसलिए मोदी जी हैं कि वो पतले हैं तो हम सब पतले हैं, या इसलिए मोदी जी है कि वो MA पढ़े हुए हैं हम सब MA पढ़े हुए हैं। मोदी जी बनने का मतलब जो भाई साहब कह रहे थे कि अपने परिवार की चिंता नहीं सारे समाज की चिंता करना, मोदी बनने का मतलब ये है कि रात को 2 बजे फ्लाइट से आना और सुबह 8 बजे फिर तैयारी के साथ चले जाना। साथियों, आप सब मोदी बन सकते हैं, अपने अपने इलाके के मोदी बन सकते हैं। मोदी को किसी ने गालियां दी उसने प्रमाण दी, आप भी मत चिंता करना। एक आपको आंकड़ा याद रखना, पिछली बार जो इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली तो वोट कितने पड़े थे, तो 17,19,00,000 सिर्फ वोट पड़े थे। कितने पड़े थे आप ये कह लीजिए कि लगभग 17,25,00,000 वोट पड़े थे। पर उसी इलेक्शन के अंदर
जब 64% वोटिंग हुई थी तो इसका मतलब 66% वोटिंग हुई थी, 34% जिन्होंने वोट नहीं दिए थे उनकी संख्या 28 करोड़ 22 लाख बनती है। मैंने इस साल 30 करोड़ हो जाएगी, अरे 17 करोड़ से इतनी बड़ी सरकार बन सकती है। आप किसी पार्टी के वोट मत छोड़ो, किसी पार्टी वाले से बहस मत करो, जो न्यूट्रल घरों में बैठे हुए हैं इस बार वो 30 करोड़ लोग होंगे। अरे 30 करोड़ वो और 17 करोड़ ये, तो कुल मिलाकर के 55% वोट के साथ ये सरकार आएगी। ये आप कर सकते हो अगर ऐसे लोगों को वोट नहीं पाते हैं। और एक नोटा के बारे में सबको मना करना, नोटा के चक्कर में पड़ना, एक एक घर ढूंढ लो, एक एक मोहल्ला ढूंढ लो, उसके साथ मिल के काम करिए। हम राजनीतिक नहीं हैं पर देश हमारा है, हमको चिंता है। मैं आपसे आखिर में अपील करूंगा साथियों कि इस देश को पाकिस्तान से नहीं लड़ना है। हमारे यहाँ पर 8.25 करोड़ लोग शुगर के मरीज हैं, इन बीमारियों को दूर करना है। 2030 तक ये सारी बसें जो हैं आपको डीजल की कार की नजर आ रही हैं, ये सब बंद होने वाली हैं। इलेक्ट्रिक बसें चलने वाली हैं, सोलर की बसें चलने वाली हैं। अगर हमारे देश के पास ऐसा काबिल प्रधानमंत्री ना हुआ हम बेकार हो जाएंगे। दुनिया के अंदर अभी 50% काम कंप्यूटर करने वाला है, रोबोट करने वाला है। अगर हम उसमें आगे ना बढ़े तो ये देश बेकार हो जाएगा। इस समय दुनिया की 5वीं ताकत है। आप सब इस इलेक्शन में 1 महीना पड़ा है, 1 महीना अपने आप को मोदी समझ करके, मोदी जी समझ करके सवेरे सवेरे उठना और चल पड़ना लोगों को मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, छोटी छोटी बैठके करना। निश्चित रूप से ये जो 30 करोड़ लोग वोट नहीं देते हैं उनके वोट अगर पड़ गए तो कितना बड़ा काम होगा। और उस दिन चाइना के अंदर रोटी नहीं पकेगी, भोजन नहीं बनेगा, पाकिस्तान के अंदर रोना धोना शुरू हो जाएगा। उनको खुश करना है तो चुप बैठ जाओ, उनको रुलाना है तो खड़े हो जाओ। इस लोकतंत्र के पर्व के अंदर मैं सुरेंद्र जी का खास तौर पर धन्यवादी हूँ कि जिन्होंने आज किया और इतने अच्छे ढंग से प्रचार किया और इतने समर्पित लोग हैं। अगर इन्होंने प्रयास किया तो भारत फिर महान बनेगा। आपसे निवेदन है, हम चाहते हैं कुछ युवक हमारे परमानेंटली पढ़ाई के साथ साथ जो गरीब घरों के हैं, पढ़ाई का खर्च नहीं निकाल सकते हैं या स्वाभिमानी है, माता पिता से लेने जाते हैं, हम चाहेंगे आप एक एक व्यक्ति उसका पालक बन जाए और उन लड़कों को अपनी पढ़ाई भी करें, साथ में इन नीतियों का प्रचार भी करें। स्वदेशी की विजय होगी, भारत की विजय होगी, भारत दुनिया का विश्व गुरु बनेगा। आपने बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी।